तमाम समाचारों साथे हूं छू जयेश। महत्वपूर्ण अपडेट अत्यारे मुंबई थी के जहां संजय राउत ना घरे थी मळ्या छे 11.5 लाख रुपया। ईडी नी कार्यवाही दरमियान रोकड रुपया मळी आव्या छे। सांसद संजय राउत नी अटकात करी लेवामां आवी छे। संजय राउत ना घरे 7 कलाक ईडी नी कार्यवाही चाली। अधिकारीओ सांजे 6 वाग्या थी ईडी ऑफिस में पूछताछ करी रहा छे। आ कार्यवाही अहीं पात्रचाल कौभांड में जोड़ायेला मनी लॉन्ड्रिंग केस अंगे करवामां आवी छे। आ पूछताछ में सहयोग आपी रहा छे संजय राउत तेवुं तेमना वकील जणावी रहा छे। ईडीए जे पण दस्तावेज मांग्या ते आपवामां आव्या होवानो पण वकीले दावो कर्यो छे। तो शिवसेनाना सांसद संजय राउतनी पात्राचाल कौभांड मुद्दे ईडीए अंदाजित 9 कलाकनी पूछताछ बाद तेमनी अटकायत करी लीधी। तेमना भांडुपना बंगला मैत्री पर सवारे 7:30 वाग्याथी ईडीनी कार्यवाही चाली रही हती। 10 अधिकारीनी एक टीमे राउत अने तेमना धारासभ्य भाई सुनील राउतना रूमनी तपास करी हती। टीमे तेमनी अने तेमना परिवारना सभ्योनी पूछताछ करी। एक टीमे तेमना दादरवाड़ा फ्लेटने सील करी दीधो। तेमना पर आरोप छे कि आ फ्लेट जमीन कौभांड पासना पैसाथी ज खरीदायो छे। राउत उपरांत तेमना नजीकना गणाता 2 लोकोना घरे पण टीम पहोंची हती। राउत सामे आ कार्यवाही महाराष्ट्रना रुपया 1,034 करोड़ना पात्राचाल जमीन कौभांड केसमां थई छे। अटकायत बाद ईडी कार्यालय खाते तेमने लई जवामां आव्या। ईडी कार्यालय खाते पोलीस काफलो गोठवी देवामां आव्यो हतो। राउतने 27 જુલાઈએ ઈડીએ પૂછપરછ માટે બોલાવ્યા હતા, જો કે તેઓ અધિકારીની સામે હાજર થયા ન હતા। जिस प्रकार से झूठी कार्रवाई, झूठे कागज, झूठे विधान, लोगों को मार मार कर पीट पीट कर बनाए जा रहे हैं, ये सिर्फ महाराष्ट्र को कमजोर करने के लिए, शिवसेना को कमजोर करने के लिए। लेकिन शिवसेना कमजोर नहीं होगी, महाराष्ट्र कमजोर नहीं होगा। दूसरी बात, संजय राउत झुकेगा नहीं, न पार्टी छोड़ेगा, न शिवसेना छोड़ेगा। जो कि ईडी दरोड़ा की कार्यवाही दरमियान संजय राउते 2 ट्वीट કરીને પોતે નિર્દોષ હોવાનું રટણ કર્યું। કહ્યું કે મારે ગેરરીતિઓ સાથે કોઈ જ લેવા દેવા નથી। બાલાસાહેબના સોગંદ ખાઈને રાઉતે કહ્યું કે કૌભાંડ સાથે મારે કોઈ જ સંબંધ નથી। સંજય રાઉતે આજીવન શિવસેના માટે લડવાની પણ તૈયારી દર્શાવી। કેન્દ્રીય એજન્સીઓના દુરુપયોગને લઈને ભાજપ પર નિશાન સાધતા રાઉતે કહ્યું કે હું શિવસેના ક્યારેય છોડવાનો નથી, હું મરી જાઉં તો પણ સમર્પણ ક્યારેય કરવાનો નથી। संजय राउत घरे दरोड़ानी साथे ज महाराष्ट्र में राजकीय दंगल जाम्यू छे। भाजपा नेता किरीट सोमैयाए ईडीनी कार्यवाही ने योग्य गणावता कहूं कि पात्राचाल सहित अनेक केस में संजय राउत की संडोवणी छे। महाआघाड़ी सरकार में थयेला गोटाळा अने माफिया की जेम लोगों ने धमकी आपनारा संजय राउत सामे योग्य कार्यवाही थई रही छे। वसई नायगांव में जो यूनिटेक पीएसएल बिल्डर का घोटाला हो, माफिया गिरी हो, लोगों को धमकियां देना, जेल में डालना, जिस प्रकार से एनडीए सरकार ने महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार का आतंक फैलाया था, अब संजय राउत को अपने भ्रष्टाचार का, माफियागिरी का, दादागिरी का हिसाब देना पड़ेगा। શિંદે જૂથના ધારાસભ્ય સંજય શેરશાટે કહ્યું કે મહારાષ્ટ્રના 2 મંત્રી જેલમાં છે, ઈડી યોગ્ય તપાસ બાદ જ કાર્યવાહી કરતી હોય છે। ગુવાહાટીથી અમારી ડેડબોડી લાવવાની વાતો કરનારાને ભગવાને આખરે બદલો આપ્યો છે। और मेरे ख्याल से अगर उन्होंने कोई गलती नहीं की, अगर उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया तो वो छूटेंगे। लेकिन जहां तक मेरा अंदाज है कि जहां ईडी की रेड होती है तो वो पूरे तैयारी के साथ जाती है, पूरे सबूतों के साथ जाती है। आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र के 2 मंत्री आज भी जेल में जा चुके हैं, अभी तक उनकी बेल हुई नहीं। तो शायद अगर संजय राउत को अगर कॉन्फिडेंस होगा तो वो छूटेंगे, नहीं तो जेल में रहेंगे। दूसरी बात है कि हमको तो कुछ उसके बारे में ज़्यादा भाष्य भी नहीं करना। जो आदमी हमारे डेड बॉडी लाने की बातें कर रहा था, जो आदमी हमारे पोस्टमार्टम करने की बातें कर रहा था, उसको शायद भगवान ने यह सजा दी। इसलिए कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। अमरावतीना सांसद नवनीत राणाए संजय राउत पर सतत पूछपरछथी भागवानो आरोप लगावता कहूं कि ईडीए दरोड़ा पाड़वामां मोडू कर्यु। जो संजय राउत ईमानदार होय, कोई गैररीति न करी होय तो ईडी समक्ष सामेथी हाजर थवानी जरूर हती। कभी कहा कि मैं
पार्लियामेंट सेशन में हूँ करके मुझे आगे की तारीख दीजिए, कभी कहा मैं हॉस्पिटल से अभी डिस्चार्ज हुआ उसके बाद दीजिए, कभी कहते हैं कि हमारा गवर्नमेंट फॉर्म हो रहा है उसके बाद मुझे तारीख दीजिए। तारीख वही मांगता है और स्पष्टीकरण वो नहीं दे पाता है जिन्होंने सच में भ्रष्टाचार किया है। पत्राचार के रिलेटेड हो, अलीबाग का सब्जेक्ट हो और महाविकास अघाड़ी के एजेंट बन के ये संजय राउत जी काम कर रहे थे और 25-30 कंपनियां ऐसी हैं जिसमें ये पार्टनर हैं और उनके साथ में मिलकर इन्होंने भ्रष्टाचार किया है।